हेलो एवरीवन वेलकम टू पाथ फाइंडर्स बाई अन अकेडमी जब इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आया था बांग्लादेश से उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया नाउ दिस इज़ अ न्यूज़ विच वाज़ वी वर एक्सपेक्टिंग फाइनली मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हैं छः साल के बाद और जब आए हैं तो इंडिया मलेशिया के रिलेशन में एक काफी बड़ा अपग्रेड आया है दैट फाइनली द टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू टू अपग्रेड देयर रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिव है पार्टनरशिप मलेशिया एक इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है क्यों है इसको हम लोग आने वाले टाइम में समझेंगे बट आप यह फोटो देख सकते हैं विद ग्रेट जेस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वेलकम्ड द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और यह विजिट एक ऐतिहासिक विजिट है बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट विच बोथ द कंट्रीज हैव साइंड. आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अन अकेडमी आई एस के ऑफलाइन क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं इसके अलावा हिंदी मीडियम के बैचेस नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं प्रयागराज के स्टूडेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट अन ऑफरिंग बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बैच एट आवर प्रयागराज सेंटर इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट टू आर वेबसाइट और डाउनलोड दी एप यूल्स रिल्ड ऑल्सो द स्कॉलरशिप सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगर लेट्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग वॉट हैज हैपन्ड इन दिस समिट इस मीटिंग में क्या हुआ है इसको समझने के लिए वी हैव टू गेट टू पास्ट की हाउ इंडिया एंड मलेशिया रिलेशनशिप हैज़ बीन सिंस 1950s. अगर हम 1950s की बात करें तो इंडिया मलेशिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा था मलेशिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस और इट बिकेम द करेंट स्टेट ऑफ मलेशिया अराउंड 1957. इंडिया आल्सो गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1950. और इसके बाद रिलेशन इंडिया मलेशिया का काफ़ी अच्छा था प्राइम मिनिस्टर नेहरू और उस समय मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे रहमान पुत्रा इन दोनों के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छे थे और अगर आज की बात करें तो आज इंडिया एंड मलेशिया हैव डेवलप्ड क्लोज पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल रिलेशन सो इंडिया एंड मलेशिया रिलेशन हैव स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट अब अगर हम इंडिया मलेशिया के रिलेशन को समझना चाहते हैं तो उसको हम दो फेज में बांट सकते हैं एक फेज टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी फेज हम समझेंगे 1950 से लेके 2014 तक की बात और दूसरा फेज इंडिया मलेशिया में हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए 2014 के बाद 2014 इसलिए चुना गया है विद ईस्ट एशियन कंट्री और यह क्यों बिकॉज ट्वेंटी चाइना का थ्रेट इंडिया के लिए था एंड इंडिया स्टार्टेड टू फोकस ऑन इंडो पैसिफिक सो उन्नीस सौ पचास से लेकर दो हजार चौदह तक हमारा रिलेशन अच्छा था काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन दो हजार चौदह के बाद एक अरजेंसी एक रैपिडनेस एक फर्दर अपग्रेडेशन में टाइज में देखने को मिलता है अगर so, 2014 की पहले बात करें तो नेहरू बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट मलेशिया 1954, फॉलोड बाय द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रहमान विजिटिंग इंडिया इन 1962, 1970 मलेशिया ज्वाइंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड यू ऑलरेडी नो दैट नॉ नैम का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया 1993 में बोथ कंट्रीज एंटर्ड ऑन डिफेंस एंड 2010 वाज अनदर इंपॉर्टेंट ईयर व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह विजिटेड टू मलेशिया और यहां पे दोनों कंट्री ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया सो दो हजार के प्राइम मिनिस्टर नेहरू का विजिट भी मनमोहन सिंह का विजिट भी काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसी विजिट में एग्रीमेंट साइन होता है नो वॉट डू मीन सी स्ट्रेटेजिकनरशिप जनरली टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वन इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिकनरशिप वेन एवर टू कंट्रीज आर एंट्रिंग इन टू अट्रैटेजिक पार्टनरशिप विच मीन दैट दे हैव collaboration or they have some

स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो इसीलिए इंडिया एंड मलेशिया इन ट्वेंटी टेन अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इसके अलावा अगर इकोनॉमी में बात करें सो बोथ द कंट्रीज एंटर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड को ऑपरेशन एग्रीमेंट से इनफैक्ट एफटीए से भी बड़ा एग्रीमेंट होता है सेका सो ट्वेंटी टेन मनमोहन सिंह विजिट

लीडर एट द सेंटर रूलिंग वन पार्टी और दूसरी तरफ इस समय 2014 तक इंटरनेशनल जियो चेंज हो गया था 2008 के बाद से एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ चाइना हुआ है 2013 में शी जिनपिंग पावर में आए हैं उसके बाद से तो चाइना का जो थ्रेट है जो चाइना का राइज है वो बहुत ज्यादा हो गया है और इसको बैलेंस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगे और इंडो पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है रशिया इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया 1993 में लुक ईस्ट पॉलिसी था 2014 में इसको अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया अब ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी वाज मोर ऑफ अ इकोनॉमिक पार्टनरशिप लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब था कि इंडिया जो है वो इधर के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेगा बट वेन एम टॉकिंग अबाउट एक्ट ईस्ट तो एक्ट ईस्ट इज मोर देन इकोनॉमिक पार्टनरशिप इट इज ऑल्सो अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इट इज ऑल्सो अबाउट डिफेंस रिलेटेड कोलेबोरेशन सो इज अ देजिक वर्ड इन दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी सो दो 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था और अब समझ सकते हैं चाइना चाइना का के से इंडिया को प्रॉब्लम है तो मलेशिया को भी इंपॉर्टेंट इट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा दिया गया टू एनहेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग मोदी मोदी विजिटेड मलेशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेडेड टू एलेवे एनहैंस strategic partnership and this time abhi kal

अब अगर बात करते हैं कि वाई मलेशिया मैटर्स फॉर इंडिया आखिरकार मलेशिया हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एंड वाई मलेशियन प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग टू इंडिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सो मलेशिया का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है पहला सिग्निफिकेंस मलेशिया। मलेशिया अगर आप इसकी जॉग्राफी देखें तो आप देख सकते you know थिएटर है, है जहां पर ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन हो रहा है अगर कोल्ड वॉर की बात करें जहां पर यूरोप में कॉम्पिटिशन था बिटवीन रशिया एंड नैटो अगर इस समय की बात करें जहां पर चाइना है मेजर पावर इमर्जिंग टू बी और एस्पायरिंग टू बी सुपर पावर सो इंडो पैसेफिक में ग्रेट पावर कंपटीशन हो रहा है यही पे आप कॉर्ड का देख रहे हो एंड अदर सो मलेशिया जो है इट लाइज एट दाइज इन द इंडो पैसिफिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा सिग्निफिकेंस आप मलेशिया के पास देख सकते हो कि मलेशिया की बास में देख रहे हो आप स्टेट ऑफ मलक्का दिस इज द स्टेट ऑफ मलक्का एंड दिस स्टेट ऑफ मलक्का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का बहुत ज्यादा अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ ट्रेड गोज थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का इसी स्टेट ऑफ मलक्का से ये ट्रेड जाता है सो so अगर मान लो सऊदी अरेबिया से तेल आना है सो सऊदी अरेबिया से तेल जो है वो इस तरीके से जाता है ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये सी लाइन ऑफ कॉम्युनिकेशन है दीज आर दी लाइन थ्रू विच द ट्रेड सो ये जो जितने भी ट्रेड है आपको मिडिल ईस्ट या यूरोप से जो आ रहे हैं कैनाल से होते हुए ये स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना के पास जाते हैं अब मलेशिया का लोकेशन देख रहे हो कल को मान लो अगर इंडिया मलेशिया के बीच में काफी अच्छा दोस्ती हो गया और मलेशिया ने कहा कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे इंडिया चाइना के वॉर के समय तो मलेशिया स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है और फिर चाइना का जो फ्यूल है फूड है वो रुक जाएगा सप्लाई रुक जाएगा उसका इसी को हम कहते हैं चाइना के लैंग्वेज में मलक्का डिलेमा यही चाइना का एक मलक्का डिलेमा है और इसलिए आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकोबार आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार आप यहां पे देख रहे हो निकोबार आइलैंड को भी डेवलप कर रही है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यह मलक्का है मलक्का डिलेमा इसीलिए चाइना जो वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है म्यांमार में कैप्यू पोर्ट बना रहा है बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो मलक्का के जो ऊपर रिलायंस उसको कम कर सके सकता है पहला सिग्निफिकेंस तो इंडिया के लिए है अबाउट द स्टेट ऑफ मलक्का एंड इंडो पैसिफिक एडिबल ऑयल आपको पता है इंडिया जो है वो तो, दोनों तेल में बहुत ज्यादा कमजोर है एक तो हमारा जो आ, पेट्रोल है डीजल है उसमें भी इंडिया इंपोर्ट्स 85 फाइव टू नाइनटी परसेंट ऑफ आवर ऑयल रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड अगर एडिबल ऑयल की बात करें जो ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें भी लगभग साठ परसेंट हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है और उस इंपोर्ट डिपेंडेंस में हम किस पे डिपेंड करते हैं मलेशिया में सो मलेशिया इज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया सो दैट्स इंडिया नीड्स मलेशिया और थर्ड इज मलेशिया इज गोइंग टू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आसियान का चेयर होगा मलेशिया एंड आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि आसियान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर दो हजार पच्चीस में चेयर होने वाला है मलेशिया अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सो दैट्स वाई दीज थ्री थिंग्स मेक्स मलेशिया रेलिवेंट फॉर इंडिया अगर हम बात करें कि और अगर आपको ये जितने भी पीडीएफ है एंड ऑल्सो द डेली न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ द हिंदू आप इस चैनल पर जा सकते हैं डाउनलोड द पी डी एफ अपार्ट फ्रॉम दैट पी डी एफ यू कैन ऑल्सो गेट ऑल अदर करंट अफेयर ऑन दिस ग्रुप अगर आप बात करें कि वाई इंडिया मैटर्स फॉर मलेशिया मलेशिया को इंडिया क्यों चाहिए अब पहला रीजन है इंडिया राइजिंग इकोनॉमी एंड ग्लोबल इंफ्लुएंस हु विल ट्राई टू फॉरगेट इंडिया इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इज द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया इज गोइंग टू बी दर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया इज बिकमिंग द ग्लोबल इंफ्लुंसर इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज सो हू कैन फॉरगेट इंडिया दैट्स वाई आप देखोगे कि जितने भी कंट्रीज हैं आप देख लो बांग्लादेश में क्या हुआ शेख हसीना भाग गई सबको लगा इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन खत्म मोहम्मद यूनुस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया अफगानिस्तान में तालिबान आया लगा कि अब इंडिया अफगानिस्तान का खत्म तालिबान अप्रोच इंडिया टू टॉक सो नाउ दैट इज नॉट द इंडिया ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वो वाला इंडिया नहीं है आज इंडिया इज अ मेजर स्टेक होल्डर इवन इफ यू इफ इवन इफ यू डू नॉट लाइक इंडिया इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट टॉक विद इंडिया इट्स इट्स अ कंपल्शन यू हैव टू टॉक टू इंडिया यू हैव टू एंगेज विद इंडिया इसलिए इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर पावर सेकेंड यू नो दैट आज जितना ज्यादा वोलेटाइल हो गया है जियो एक तरफ यूएस चाइना का दिक्कत और यूएस चाइना की दिक्कत में फंस कौन रहा है आसियान कंट्रीज जो इंडो पैसिफिक के कंट्रीज हैं बिकॉज कल को अगर कुछ भी होता तो इंपैक्ट उनको है इसलिए जितने भी आसियान कंट्रीज हैं वो एक तरीके से अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं दोनों ब्लॉक्स में चाइना के ब्लॉक के साथ भी बैलेंस करना चाह रहे हैं यूएस के ब्लॉक के साथ भी बैलेंस करना चाह रहे हैं जिस तरीके से इंडिया बैलेंस करता है एक तरफ क्वाड का मेंबर है दूसरे तरफ एस और ब्रिक्स का मेंबर है वैसे जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जो आसियान कंट्रीज है मलेशिया ये भी इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हेज करना चाहता है मतलब अपने रिस्क को कम करना चाहता है इसलिए मलेशिया जो है वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का मेंबर बनना चाहता है And आपको पता होगा ब्रिक्स हैज नाउ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म ब्रिक्स का आप एक्सपेंशन देखो अभी कितने सारे कंट्रीज ज्वाइन करने वाले थे सऊदी अरेबिया इजिप्टरान सो ब्रिक्स जो है वो इस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है सो इसीलिए मलेशिया ने भी ब्रिक्स के मेंबरशिप में पार्टनरशिप के लिए अप्लाई किया है और उसके लिए उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपोर्ट चाहिए थर्ड इकॉनमी एंड डिफेंस बहुत हद तक मलेशिया की इकॉनमी इंडिया पे डिपेंडेंट है और मलेशिया और इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके अलावा मलेशिया अपना डिपेंडेंसी चाइना पे कम करना चाहता है देखो चाइना के साथ सबने ट्रेड किया खूब हंसी मजाक चला ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के साथ खूब दोस्ती निभाया लेकिन आज वही दोस्ती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड व्हेन यू डिपेंड ऑन चाइना चाइना विल ऑलवेज बुली यू एंड टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन चाइना यू नीड इंडिया because there's only one country who can balance, who can manage, who can see eye to eye to china is india. and that's why russia, china, although they're good friends, but russia also needs to limit its dependency on china. and hence russia is also trying to build good relations with india. prime minister modi, ukraine, it's going to meet vladimir zelensky. but russia doesn't care because russia also needs india. right? so every country who's dependent on china, they know that china is going to bully them. And hence they need to have relations with India because India provides that big market, India provides that leverage at United Nations, India provides relations with the West, so that 's why to reduce china 's dependence, Malaysia also needs to have good relations with India. इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक पार्टनरशिप अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया मलेशिया के बीच में अभी तक हमने इवोल्यूशन देखा उसके बाद हमने देखा वॉट आर द ड्राइविंग फोर्स वाई नीड्स मलेशिया नाउ लेट्स कम टू द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है? पहला एस्पेक्ट है इकोनॉमिक पार्टनरशिप मलेशज अमंग मलेशिया टेन बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर गुड ट्रेड अगर हम लोग लास्ट ईयर के ट्रेड की बात करें तो वो बीस बिलियन डॉलर था और अगर हम बात करें कि आने वाले तीन साल में वो बीस से बढ़कर पच्चीस बिलियन डॉलर होने जा रहा है इसके अलावा दोनों कंट्रीज जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है डी डॉलराइजेशन का एक ट्रेंड चल रहा है आफ्टर दैट ये आपने पता ये हमने पहले ही बात किया कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के 2010 विजिट में इन्होंने कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था अब उसको ये लोग रिफॉर्म करने जा रहे हैं सो so दैट और इसको एक्सपैंड किया जा सके मोर गुड्स मोर सर्विसेज आर एडेड इन दैट एग्रीमेंट इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और सेमी कंडक्टर्स में भी ये लोग काफी ज्यादा कोलेबोरेट कर रहे अगर आप देख सकते हैं ये बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया सो आप देख सकते हैं दो हजार में लगभग तेरह 13.45 था 2018-19 में ये 17.74 हो गया है अभी ये 20 बिलियन हो गया है और आने वाले साल तीन साल में ये 25 बिलियन डॉलर होने वाला है दैट्स वाई द बोथ कंट्रीज का जो बायोलेट्रल ट्रेड है इट इज एक्सपैंडिंग अगर इसमें बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम है इंपोर्ट ज्यादा है सो इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विथ मलेशिया तो मलेशिया के लिए और फायदा है कि मलेशिया इनफैक्ट इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस इसके अलावा वॉट आर द मेजर आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट्स तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मिनरल फ्यूल्स पेट्रोल एंड एंड अदर थिंग्स मिनरल थिंग्स इंडिया पाम ऑयल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यही पाम ऑयल की बात कर रहे थे क्योंकि अगर आप देखोगे एक और डेटा मलेशिया जो टोटल पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 20 परसेंट इंडिया आता है सो इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट 20 परसेंट ऑफ मलेशिया टोटल पाम इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ मलेशियन पाम ऑयल तो इसलिए मलेशिया को भी इंडिया बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ ही साथ मलेशिया आपको पता है कि मलेशिया में जमीन बहुत कम है तो एग्रीकल्चर होता नहीं है तो फूड सप्लाई के लिए भी इंडिया के ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है स्पेशली राइस वहां के लोग बहुत राइस खाते हैं एंड इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इसीलिए इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ मलेशियन पाम ऑल एंड की एक्सपोर्ट ऑफ राइस टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशन

आर्मी नेवी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस प्लेस। इसके अलावा आपको पता है रिसेंटली नेवी ने मिलान एक्सरसाइज किया था जहां पे दुनिया भर के नेवीज आए थे तो मलेशिया ने भी अपना नेवी भेजा था और मिलान एक्सरसाइज बेसिकली एक इंडियन नेवी का ऐसा एक्सरसाइज था टू तो बैलेंस चाइना और उसमें मलेशिया ने भी पार्टिसिपेट किया था सो डिफेंस पार्टनरशिप इज आल्सो अभी आपने देखा कि ये लास्ट लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर की न्यूज है जो मलेशिया है वो एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी इंटरेस्टेड है सो so, हो सकता है आने वाले टाइम में मलेशिया बाइस एलसीए तेजस फ्रॉम इंडिया सो दैट्स दट डिफेंस पार्टनरशिप इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोथ आर इंक्रीजिंग एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ज पीपल टू पीपल पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कॉन्स्टिट्यूट अराउंड नाइन परसेंट ऑफ मलेशन पॉपुलेशन सोचे सौ में से नौ लोग पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन थर्ड इंडिया मलेशिया पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इज टू पॉइंट सेवन फाइव मिलियन विच इज अराउंड नाइन परसेंट ऑफ इंडिया मलेशिया पॉपुलशन सो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और आजकल तो आप देख रहे हो बहुत लोग टूरिज्म में भी मलेशिया जा रहे हैं सो so, मलेशिया और इंडिया के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट कल्चरल कनेक्ट बहुत ज़्यादा है अब अगर बात करें करंट स्टेटस करेंट स्टेटस हमने 1950 से 2014 की बात की 2014 से 18 हजार की बात की रिसेंटली पिछले तीन चार साल में थोड़े से प्रॉब्लम के दो रीजन है इन दोनों के की से इंडिया और मलेशिया के रिलेशन में रिसेंट टाइम्स में एक डिग्रेड एक डिप देखने को मिला है अगर चाइना की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर वो थोड़ा

मलेशिया में चाइना के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं सेकंड रीजन है जो डिक्लाइन आया है रिलेशनशिप में देखने को वो खुद प्राइम मिनिस्टर पहले जो थे महािर मोहम्मद उनकी वजह से हुआ है महािर मोहम्मद एक तरीके से अपने आप को इस्लामिक आइडियोलॉजी के लीडर बनना चाहते थे इस्लामिक कम्युनिटी के वॉयस बनना चाहते थे इसलिए इंडिया को खूब ज्यादा उन्होंने कमेंट किया कि आप ऐसे हो जैसे देखो क्या कहा न्यू दिल्ली हैज इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर यूनाइटेड नेशन जाके महािर मोहम्मद इंडिया के ऊपर यह कह रहे हैं तो फिर इंडिया ने क्या किया पाम ऑल खरीदना बंद कर दिया बोल हम कहीं और से खरीद लेंगे जाकिर नायक जब इंडिया छोड़ के भाग गए हेट स्पीच और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महातर मोहम्मद को फोन किया कि आप इनको लौटा दे जाक... और तो फिर लेकिन महातर मोहम्मद बोला कि नो आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न अभी तक उनको रिटर्न नहीं किया गया सो तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कमेंट ऑन सीए अगेन मातिर मोहम्मद ने बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर कमेंट किया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू स्ट्रिप अवे दर आडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया और इनकी वजह से आप देख सकते दो 2018 से कोई भी विजिट मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का इंडिया में नहीं हुआ था छत साल गैप साल गैप हो गया था इसलिए यह विजिट बहुत ज्यादा जरूरी था होना so आप देख सकते हैं रीसेंट डिप आया रिलेशनशिप में अब अगर हम बात करते हैं अभी क्या हुआ है 18 से 20 तारीख के बीच में जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है तो इसमें सबसे बड़ा जो खुशखबरी है तो सबसे बड़ा चीज जो है वो निकल के आ रहा है दैट मलेशिया एंड इंडिया ने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से बढ़ाकर एनहैंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड नाउ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस कॉम्प्रसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है सो दैट इज अ वेरी बिग बिग डेवलपमेंट विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया मलेशिया रिलेशन सो आप देख सकते हैं यह ट्वीट हमारा कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया और इससे इंडिया को सबसे बड़ा मैसेज किसको जाएगा चाइना को वो चाइना जो आसियान में अपना घर बनाना चाह रहा है वो चाइना जो आसियान कंट्री को अपना बैकयार्ड मानता है वो चाइना जो आसियान को कभी भी सोचता है कि ये मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते आज मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं इट इज अ काइंड ऑफ अ मैसेज बाय बोथ इंडिया एज वेल एज मलेशिया टू चाइना इंडिया के लिए मैसेज है कि आप आसियान को अपना ना समझें और आसियान कंट्रीज चाइना को मैसेज दे रहे हैं कि डोंट थिंक दैट वी आर नॉट और वी कैन नॉट टेक आवर डिसीजन इन एन मैनर सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैसेजिंग टूवर्ड्स चाइना इन दिस वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया है उसको अब मलेशिया ज्वाइन करेगा इसके अलावा कॉलेज टू कॉलेज पार्टनरशिप फोकस किए गए हैं इंडिया मलेशिया डिजिटल काउंसिल डिजिटल पार्टनरशिप के ऊपर भी फोकस किया गया है एंड नाइन्थ इंडिया मलेशिया सीईओ जो इंडिया के बड़े कंपनीज और वहां के बड़े कंपनीज उन सारे सीईओज आके मिलेंगे एक साथ अदर डील्स की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एंड रिपेट्रिएशन ऑफ वर्कर्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि अगर वर्कर्स वहां पे है उसको गलत तरीके से घुस गया है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करें आप उसको वापस इंडिया छोड़ दें तो वर्कर्स के ऊपर एग्रीमेंट है इसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी फोकस हमने पहली बात किया कि मलेशिया जो है वो भी सेमी प्रोडक्शन और इन चीजों पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया तो कर ही रहा है पीएलआई स्कीम लाया है सेमी कंडक्टर में सो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनते हुए नजर यहां पे आ रहा है एक्सपैंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लोर कोऑपरेशन इन न्यू एंड एरियाज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंडिया पेमेंट सिस्टम यू UPI अब मलेशिया के जो UPI है जिसको पेनेट कहते हैं वो दोनों लिंक होगा ये देख लो इंडिया का, का काफी बड़ा फोटे है इंडिया जो है वो इस तरीके से UPI को अभी देखो पूरा मिडिल ईस्ट में फैला दिया है श्रीलंका विलंका में चले जो आप UPI से स्कैन करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा अब इंडिया का जो ये UPI इंफ्रास्ट्रक्चर है मलेशिया की UPI से मिक्स हो जाएगा तो अगर आप मलेशिया जाते हो वहां के QR कोड में अपने आप से अगर आप स्कैन करते हो पेमेंट तो भी पेमेंट आपका हो जाएगा सो दैट्स अ बिग डेवलपमेंट उसके बाद डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन करने की बात ही है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इंडो पैसिफिक के ऊपर बात यहां पे जिस चीज की इंतजार हो रही थी कि चाइना को क्या मैसेज है आप देख सकते पीएम मोदी ने मलेशिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर कहा है इन द आसियान

साउथ चाइना सी में 2016 में जब फिलीपींस ले गया और कहा कि साउथ चाइना सी में एरिया मेरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आपका है चाइना ने बोला मानेंगे नहीं आपकी बात को और चाइना तब से इलीगली वहां पे अपना एरिया फैला रहा है अगर आप देखोगे ये साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट चाइना ने यह नाइन डैश लाइन बनाया और कहता है ये पूरा नाइन डैश लाइन मेरा है और यहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड बालू ले जाके भर दे रहा बोला कि आइलैंड मेरा है पार्थले आइलैंड है पार्सले आइलैंड से बहुत सारे आइलैंड है तो प्रॉब्लम किसको है मलेशिया को मलेशिया का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको चाइना कह रहा है कि नहीं तो मेरा है नाइन नेशन लाइन में सिमिलरली फिलीपींस आप देख रहे हो हर दिन फिलीपींस और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है सो साउथ चाइना सी में एक तरीके से इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट मैसेज दिया है चाइना को कि आप ये मत समझे आप कुछ भी कर सकते हैं सो इस तरीके से इंडिया मलेशिया का पार्टनरशिप एलिमेंट है इंडिया आसियान के पार्टनरशिप से अभी इंडिया ने आप देखोगे फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल भेजा है सो इंडिया फिलीपींस का रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है इंडिया वियतनाम का रिलेशन इस समय काफी स्ट्रांग पे है इंडिया मलेशिया का रिलेशन काफी स्ट्रांग है सो दैट शोस दैट हाउ मच इंडियास लेवरेज हाउ मच इंडियास इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग एट द वर्ल्ड स्टेज बिकॉज़ आप दो चीज समझें एक तो इंडिया का इतना बड़ा मार्केट एंड सेकंड इंडिया का इतना बड़ा लेबर अगर आप मार्केट लेबर को मिला दो सो हु इज गोइंग टू बी द फ्यूचर आज दुनिया भर में ओल्ड एज पॉपुलेशन है अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन है तो लेबर नहीं है उनके पास ओल्ड एज पॉपुलेशन कंजम्प्शन नहीं करता यंग पॉपुलेशन कंज्यूम करता है सो वेन इंडिया हैज दैट यंग डेमोग्राफी प्लस इंडिया हैज दिस बिग मार्केट ऑफ वन फोर्टी करोड़ प्लस पीपल हु टू कंटेन इंडिया सो दैट वाई इंडिया टाइम हैज कम एंड दीज कंट्रीज आर रियलाइजिंग ट इंडिया के साथ रिलेशन तो भैया बना के रखना होगा एंड दैट्स वाई इंडिया मलेशिया रिलेशन एक नया रिवाइवल हुआ है जो दो हजार आठ से ठंडा पड़ा था और अभी इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चीजें होने वाली हैं जापान के टू प्लस टू मीटिंग होने वाला है इंडिया के साथ उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है तेईस अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन विजिट कर रहे हैं और क्या जेलेंसकी के साथ इनकी बात होती है साथ साथ पोलैंड भी विजिट कर रहे हैं time Prime Minister Modi, is, uh, any Prime Minister of India is visiting Poland and after 30 years, any Prime Minister is going to visit Ukraine. So there's a lot of things which is going to come in geopolitics. But till then, have a great time. I hope you're doing great and enjoy everything. Thank you.